नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में स्वागत करता हूं। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी भी अच्छी चल रही होगी और नोट्स आप लोग साथ साथ बना रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था वो निश्चित वाचक स्वरनाम तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक होगा अनिश्चयवाचक स्वरनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक स्वरनाम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो होगा अनिश्चयवाचक स्वरनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक स्वरनाम वे स्वरनाम शब्द जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। वे स्वरनाम शब्द जिसके द्वारा हमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता अनिश्चित अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक है, वे स्वरनाम शब्द जिसके द्वारा हमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे स्वरनाम शब्द जिसके द्वारा हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। वे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वे स्वरनाम शब्द जिसके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें जो प्रयोग किए जाते हैं कोई और कुछ शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये कोई और कुछ का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसका? कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आया है, कोई आया है और कुछ लाया है। कोई आया है कोई निश्चितता का बोध करा रहा है अनिश्चितता का। कोई आया है मतलब कोई आया है, हमें नहीं पता कि कौन आया है। भाई गेट पे कोई आया है, किसी ने बेल बजाई, हमने कहा अंदर से आ जाइए, कौन आया है? हमने कहा कोई आया है। अब कौन आया है नहीं पता, और हमने देखा कि उसके हाथ में काली पन्नी है, तो हम देखते ही समझ गए कि इसके अंदर तो केले है, क्योंकि ऑब्वियसली काली पन्नी में केले लाते हैं मेहमान जो भी आता है। तो हम बोलेंगे कि कोई आया है और कुछ तो लाया है, तो अनिश्चित है भाई, कोई आया है, हमें नहीं पता कौन आया है, लेकिन कोई आया है ये बात तो है। लेकिन कुछ लाया है ठीक। तो कोई आया है, कुछ लाया है, काली पन्नी है। अब काली पन्नी के अंदर केले भी हो सकते हैं 98%, लेकिन हो सकता है उसमें केले ना हो, सेब हो, अमरूद हो, ठीक है। तो कोई आया है, कुछ लाया है, तो कोई आया है, कुछ लाया है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक स्वरनाम की। दोबारा एक बार देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक स्वरनाम वे स्वरनाम शब्द जिसके द्वारा
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, बोध नहीं होता, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक स्वरनाम की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रयोग किया जाता है कोई और कुछ, इसमें जो प्रयोग किया जाता है स्वरनाम में वे कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है, और इसमें होता है आपका कोई आया है, एग्जाम्पल होगा कोई आया है, भाई कोई आया है, हमें नहीं पता कौन आया है, पर ये कन्फर्म है कोई तो आया है, और कुछ लाया है, भाई हाँ कुछ तो लाया है, तो कोई आया है कुछ लाया है, अब क्या लाया है और कौन आया है ये नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक स्वरनाम का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्या? अनिश्चयवाचक स्वरनाम का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए, आपने इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। संबंधवाचक स्वरनाम क्या हुआ? संबंधवाचक स्वरनाम वे शब्द जो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच संबंध को स्थापित करते हैं, संबंध को बताते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन होगी, याद करने के लिए थोड़ी आसान होगी, कि वे स्वरनाम शब्द जो दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं, संबंधवाचक स्वरनाम के अंतर्गत आते हैं। जो दो व्यक्ति और वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं, संबंधवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। छोटी और आसान डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर बात करते हैं हम थोड़ी सी, अगर देखते हैं कि थोड़ी कठिन आप लोगों को चाहिए तो एक डेफिनेशन और होगी जिसे आप अच्छे से समझ सकते हो। जिस स्वरनाम शब्दों से वाक्यों में किसी दूसरे स्वरनाम से संबंध को दर्शाया जाता है, क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। वे स्वरनाम शब्द जिसके द्वारा वाक्य में किसी दूसरे स्वरनाम से संबंध को दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है? संबंधवाचक स्वरनाम कहलाता है। देखिए, जिस स्वरनाम शब्द से वाक्य में किसी दूसरे स्वरनाम से संबंध को दर्शाया जाता है, स्वरनाम शब्द कहला जाता है, और उसमें जो प्रयोग होता है वो होता है आपका जो और सो, जो सो का, जो और सो का। लेकिन आसान सी डेफिनेशन है, वे स्वरनाम शब्द जो दो व्यक्तियों और दो या दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं, संबंधवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। आसान डेफिनेशन की अगर हार्ड की कोशिश करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉब्लम ही होगी। आसान लिखते हैं, वे स्वरनाम शब्द। मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है दोनों डेफिनेशन, मैं आसान वाला लिख रहा हूँ तो यही लिख लेना, और जिसको जो अच्छी लगे, क्योंकि मैंने बोल दिया है तो आप लोग उसे नोट कर सकते हो। तो वे स्वरनाम शब्द जो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच, व्यक्ति या वस्तुओं के बीच, वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? जो संबंध को दर्शाते हैं, संबंधवाचक स्वरनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक स्वरनाम सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, अच्छे समझ में आ रहा है ना? समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हमने पढ़ाना शुरू किया है
जब हमने अच्छे से पढ़ाना शुरू किया, हमने शुरुआत की है पढ़ाने की, तो कुछ दोस्त थे जिन्होंने कहा था कि यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमें विश्वास था कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम पे आता है, हम उसे अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं और आप लोगों को उसे समझा सकते हैं। तो हमें विश्वास था कि आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, इसलिए हमने शुरुआत कर दी है और चलना ही अपना कर्म करना चाहिए। हमने शुरू कर दिया है, आप लोग भी अपना कर्म करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर कोई आपको बोलता है कि वैकेंसी नहीं आएगी तो ये सिर्फ एक बहकावा होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, पेपर पास करने, ऐसा नहीं होता कि जब फॉर्म भर जाएंगे तब पेपर पास होता है, पेपर पढ़ने से पास होता है और लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, लगातार पढ़ना होता है। तो अब आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम उन लोगों को कह सके कि नहीं, अगर मेहनत करते हो, जैसे हम बोलते हैं कि मेहनत करनी चाहिए और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो हम उन लोगों को कह सके कि देखो हमने मेहनत की थी और हमें सपोर्ट मिला है। तो अब शुरू करते हैं। वे स्वर्णनाम शब्द जो कि जो दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं, वे संबंधवाचक स्वर्णनाम कहलाते हैं। क्या? वे संबंधवाचक स्वर्णनाम कहलाते हैं। इसमें प्रयोग किया जाता है जो और सो का, जो और सो का, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे जो और सो शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे के लिए होगा आपका जो पकाएगा सो खाएगा, जो पकाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा। जो पकाएगा सो खाएगा, सो खाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी नहीं, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा, जो जो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। जो पकाएगा सो खाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। क्या होगा? जो पकाएगा सो खाएगा और जो सोएगा वो खोएगा। जो सो और वे, ये शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो पकाएगा सो खाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। भाई देखिए, एक संबंध को दर्शाया जा रहा है, जो पकाएगा सो खाएगा। भाई संबंध है ना, अगर पका लोगे तो खा लोगे, नहीं पकाओगे तो रहने दो। तो जो पकाएगा सो खाएगा संबंध है, अगर जो सोएगा वो खाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पकाएगा सो खाएगा। क्या करेगा? जो पकाएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा सो मीठा फल पाएगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत, जो मेहनत करेगा सो मीठा फल पाएगा, सो मीठा फल पाएगा। क्या करेगा? जो मेहनत करेगा सो मीठा फल पाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा, जो मेहनत करेगा वो मीठा फल पाएगा या मीठा फल खाएगा। कुछ ही लिख सकते हैं, खाएगा लिख लीजिए, जो मीठा, जो मेहनत करेगा सो मीठा फल खाएगा, ठीक है। इसी तरह संबंध को है ना, जो और सो, जो पकाएगा सो खाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध है ना भाई, जिसकी लाठी है भैंस भी उसी की है, ठीक है बच्चों। जो सोएगा वो खोएगा, भाई जो सोएगा तो खोएगा, और जो पकाएगा तो खाएगा, नहीं तो खाएगा नहीं, ठीक है। और जो मेहनत करेगा सो मीठा फल खाएगा, हो गया ना। ये हो गया आपका संबंधवाचक स्वरनाम, आपके चीज़ समझ में आया होगा ना। हम इसे रफ कर देते हैं।
अब देखते हैं हम निजवाचक स्वर नाम की, क्या देखते हैं निजवाचक स्वर नाम की। संबंधवाचक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना दोस्तों, संबंधवाचक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। निजवाचक स्वर नाम क्या होता है, इसमें स्वम स्वतः अपने आप खुद पे खुद, ठीक है, स्वम स्वतः अपने आप खुद पे खुद इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हमने आपको बताया था कि जो मध्यम पुरुष था उसमें आप शब्द का हम प्रयोग कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको स्पेशल नोट करके लिखवाया था कि मध्यम पुरुष में आप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आदर के लिए, लेकिन आपका प्रयोग किया जाता है निजवाचक स्वरनाम में। स्वम स्वतः अपने आप खुद ब खुद, ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग निजवाचक स्वरनाम में किया जाता है। ठीक है, हैडिंग बनाइए, निजवाचक स्वरनाम क्या, निजवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम क्या होगा, निजवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम क्या होता है, निजवाचक स्वरनाम। बच्चों एक मिनट, सॉरी बच्चों कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। तो निजवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम में आप शब्द अपने आप स्वयं खुद पे खुद इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप शब्द कर्ता का कार्य करता है और यह स्वयं कार्य न करके अपने बारे में कुछ संकेत देता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ऐसी कोई डेफिनेशन लिखवाई जाए जो आप लोगों के काम की ना हो, ठीक है, ऐसी कोई भी डेफिनेशन आपको लिखवाने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप लोगों के काम नहीं आएगी, जो आपके काम आता है वो आवश्यक है। तो लिखिए निजवाचक स्वरनाम में, एक बात नोट कर, बस अब थोड़ा याद रखना कि निजवाचक स्वरनाम में जो आप होता है वो कर्ता के रूप में कार्य करता है, पुरुषवाचक के रूप में कार्य करता है, लेकिन वह स्वयं कार्य न करके खुद के स्वयं के बारे में कोई संकेत देता है तो वहाँ निजवाचक स्वरनाम होता है। लेकिन ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं लिखना, हमें लिखना है जो स्वरनाम निजवाचक स्वरनाम होता है इसमें। जो देखो आपको प्रोफेसर नहीं बनना या आपको IAS PCS तक जाना है, ठीक है, कुछ बच्चे IAS PCS तक जाएंगे, अच्छी तरह मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी आपका टारगेट जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर आप सोचते हैं कि एकदम से अंदर से जाऊँ बहुत हार्ड डेफिनेशन पढ़नी है हमको, वो कुछ काम नहीं आएगी आपके, जो काम आएगा वो बेस्ट होता है। आपको जॉब चाहिए, बस जॉब मिल जानी चाहिए। हार्ड डेफिनेशन लिखवाने से ही नंबर नहीं आता, नंबर आता है समझने से, ठीक है। तो जो मैं नोट करा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए आसान होगा तो उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें स्वम स्वतः निजवाचक स्वरनाम में स्वम क्या होता है, निजवाचक स्वरनाम में स्वम स्वतः खुद ब खुद, स्वम स्वतः आप, भाई देखो आप शब्द का प्रयोग हमने आपको मध्यम पुरुष में बताया था, लेकिन वहाँ पे आपको स्पेशल लिखवाया गया था कि नोट करके आपको बताया गया था कि ये आदर सूचक होता है, यहाँ पे क्या होता है, आदर सूचक होता है, ठीक है। आप खुद ब खुद, खुद व खुद, खुद ब खुद, खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद अपने आप इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें स्वम स्वतः अपने आप खुद ब खुद
और आप इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि पुरुषवाचक स्वर्णनाम में मैंने आपको बताया था कि जो आप है पुरुषवाचक स्वर्णनाम के मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुषवाचक स्वर्णनाम का जो मध्यम पुरुष था, मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग, आपका प्रयोग आदर के तौर पर कर रहे थे, आपका प्रयोग आदर के रूप में करते हैं। वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है तू और तुम, लेकिन वहां पे तू या तुम के स्थान पर आप का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पे जो आप होता है वो आदर सूचक होता है, ठीक है। लेकिन आप का प्रयोग हम करते हैं निजवाचक स्वर्णनाम में, इसमें स्वयं स्वतः आप खुद ब खुद या अपने आप इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे 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 देखते हैं, सांप को मत छेड़ो वो खुद चला जाएगा, सांप को मत छेड़ो वो खुद चला जाएगा, सांप को मत छेड़ो वो खुद चला जाएगा। भाई सांप को मत छेड़ो वो खुद, मैंने कहा था ना खुद, स्वम, स्वतः, अपने आप, इन सभी शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका? इन सभी शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आप कहाँ जाएंगे, क्या हुआ, आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सांप को मत छेड़ो खुद ब खुद चला जाएगा, आप कहाँ जाएंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आप भले तो जग भला। बच्चे बच्चों एग्जांपल जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर के हम एग्जांपल याद करके रखेंगे, ऐसा नहीं होता है कि मैं उठूंगा और एग्जाम्पल को याद कर लूँगा, कि मुझे 50 एग्जाम्पल या 10 एग्जाम्पल, 15, 20, 5, 10, आप मुझे मान लो आपको 5 एग्जाम्पल बताने हैं, तो ऐसा नहीं होता कि मैं सारे एग्जाम्पल याद करके रखूँगा, ऐसा नहीं होता। याद होती है डेफिनेशन या फिर मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सारे डेफिनेशन याद कर, सारे एग्जाम्पल याद करके रखूँ। एग्जाम्पल का ऐसा होता है कि एग्जाम्पल आपको बताने के लिए एग्जाम्पल देखने होते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से बताया जा सके, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल अब पर्यायवाची है, अब 200 पर्यायवाची अगर मुझे आपको लिखवाने हैं तो क्या मैं 200 के 200 याद करके रखूँ? वो मेरे याद है, वो सब मेरे याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 200 मैं बस लिखना शुरू कर दूंगा और सबको लिखता चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप लोगों को PDF दी जाती है या फिर आप लोगों को नोट करा दिया जाता है ताकि आप लोग याद कर सको, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हर एग्जाम्पल याद होगा, एग्जाम्पल या पर्यायवाची सोचो कि सारे के सारे पर्यायवाची याद कर ले सर, तो ऐसा नहीं होता, याद नहीं होते सारे पर्यायवाची। हम जब अपने एग्जाम देते हैं तो हमारे याद है, हम उन्हें कर लेते हैं, लेकिन समझना होता है, हम आपको डेफिनेशन अच्छे से समझाते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, इसलिए ताकि आप लोग समझ सको। पेपर में यही एग्जाम्पल नहीं आएंगे कि आप एग्जाम्पल याद करने बैठ जाओगे कि एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल यही रट लेता हूँ याद हो जाएंगे, नहीं, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम्पल का पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रयोग किया जाता है बस। चलो अब देखते हैं, मैं तो अपने आप ही आ जाता। तो देखिए आप शब्द का, आप भले तो जग भला, आप कहाँ जाएंगे, सांप को मत छेड़ो खुद ब खुद वो खुद चला जाएगा, या स्वयं चला जाएगा, या स्वतः ही चला जाएगा। तो समझ में आया निजवाचक स्वर्णनाम का, ठीक है। इसमें स्वयं स्वतः, आप खुद ब खुद और अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में इससे बाहर आता है तब आप बोलना कि सर इससे बाहर आया है, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि जितना भी आपका सिलेबस है कुछ छोड़ा ही नहीं जाएगा, तो बाहर कहाँ से आएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाएंगे, अच्छी तरह पढ़ाना है आप लोगों को। तो अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक स्वर्णनाम की क्या
प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आज का और सर्वनाम आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से हमें प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से हमें प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें जो प्रयोग किया जाता है भाई, जैसे इनमें प्रयोग किया जाता है कौन और क्या, क्या कौन और क्या, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग करते हैं कौन व क्या का, कौन और क्या का, कौन और क्या का इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न चिन्ह तो इसमें आएगा ही भाई, प्रश्न चिन्ह तो इसमें आएगा, सबसे आसान सी पहचान है इसकी, बस सीधा जब प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो निश्चय प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बस सबसे आसान सी पहचान है इसकी कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है और कौन और क्या भी आएगा और प्रश्नवाचक भी आएगा, तो आसानी से लगा देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पता चल जाएगा कि प्रश्न पूछ रहा है। जब आपसे कोई प्रश्न, मैं पूछूं आपका नाम क्या है, बताइए, प्रश्न पूछ लिया, आप कहाँ गए थे प्रश्न पूछ लिया, आप क्या कर रहे हो प्रश्न पूछ लिया, आप कहाँ जाओगे प्रश्न पूछ लिया, तो जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सीधा प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ जाना है। अगर आपसे पूछा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है और प्रश्न पूछा गया है तो डायरेक्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम पे क्लिक कर दीजिए। एग्जांपल लिखिए, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, और तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, या तुम कहाँ जाओगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो, या फिर कह सकता हूँ मैं तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, ठीक है भाई। देखो प्रश्न पूछा गया है आपसे तो जाहिर सी बात है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। कौन और क्या शब्द आएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह 100% आएगा, इसको याद रखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा जब आपको लगेगा कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भाई देखो, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओ, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या देख रहे थे, ठीक है। तो ये जब हमें लगेगा कि हमसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है, क्या है, प्रश्न पूछा ना मैंने, प्रश्न पूछा ना है? मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न चिन्ह आया और क्या और कौन, क्या और कौन शब्द भी इसमें आएंगे, तो क्या हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें प्रश्न का बोध होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो क्या होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, हमने उसे अच्छे से कंप्लीट किया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, और अगर आपको ये है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जो मैंने आपको पढ़ा दिया और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, हम दोबारा आपको पढ़ा देंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी नया चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।